किधर देखा ऐसा लगा बे क्या बाय बाय किस दे दो मामा को कैमरे किस दे देगा काट लेगा तो अचानक से मैं जा रहा हूँ मुंबई इन लोगों को छोड़ के मैं अकेले जा रहा हूँ कुछ तो उधर प्लान है अपना अब देखते हैं सब कुछ सही से जाता है या यहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है बैठ के बोलो क्या? बैठ के बोलो मैं जा रहा हूँ मुंबई बाय बे क्या यू टू ये देखो दोनों का दोस्ती हो चुका है दोनों का अच्छे से दोस्ती हो चुका है ठीक है चलो बाय मामा जा रहे हैं कितना बार बाय करोगे यार बाय चलो चलो ये गिर गई लड़की चलते चलते गिर गई है चलो बढ़ाओ चलो 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 जाओ भाई मंगल गया मुझे छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ रुक क्यों रही है मंगल ना मुझे अभी छोड़ के गया और जब मैं गाड़ी में था ना तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगा था अब गाड़ी से उतरते ही बहुत तेज भूख लगा है तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना खाना पड़ रहा है गाड़ी में थे तो सस्ता वाला खाना अवेलेबल था लेकिन तब भूख ही नहीं था जैसे ही उतरे भूख लग गया भाई कितना लो क्वालिटी फूड लग रहा है और उसके बावजूद भी नहीं है 370 रुपीस का है आज ना मैं यहाँ पे गुम होने वाला हूँ क्योंकि मुझे मेरा काउंटर तो दिख ही नहीं रहा है इधर देखो इतने कोने में है मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया पहले ना विंडो सीट के लिए पैसा नहीं लगता था अब यहाँ पे आने से विंडो सीट के लिए भी पैसा लगता है यार मैं तो शॉक हो गया सुन के मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ ट्रे में डाल दिया तो अभी मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ अब बहुत टाइम है अभी लगभग 3 घंटा है मुझे 3 घंटा वेट कर रहा है यहाँ बैठे मुंबई जाते ही ना सबसे पहले मैं ये चप्पल चेंज करूँगा ये चप्पल बहुत दिनों से मैं पहन रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले खाया था अभी फिर जा रहा हूँ ये ना जितना भी पूरा का पूरा लाउंज खाली है यहाँ पे मेरा बैग है ये खाली है और यहाँ पे मैं हूँ इधर का चाय ना एकदम पानी जैसा ठंडा है मैंने भैया को पहले ही बोला था कि पूरा गर्म करके ले आना वो ठंडा ही ले आके दे दिए फिर मैंने बोला जाओ वापस से गर्म करके लेके आना यहाँ से ना पूरा रनवे नज़र आ रहा है देखो ठीक है अभी चाय गर्म है ये ना मसाला चाय है 200 रुपीज़ का और ये चाय 10 रुपये के भी लायक नहीं है सच में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है और मसाला चाय तो बिल्कुल भी नहीं है अपने एयरपोर्ट पे सामने देखो ये मेरा सारा मिथिला पेंटिंग है ये आपको बिहार में लगभग हर जगह देखने को मिलेगा मैं कितने दिनों बाद ना मैं ये वाला ड्रिंक पी रहा हूँ और वो भी मैं पीऊँगा नहीं मैंने बस एक घूट पिया कितने साल बाद और अब ये भी छोड़ दूंगा मैं क्योंकि ये हद से ज़्यादा ठंडा है और ठंडी चीज़ें मैं पीता नहीं मैंने 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 1 घंटा और वेट करना है यार एयरपोर्ट में ना बहुत भयानक ठंडा लग रहा है तो अभी ना मैं जा रहा हूँ शॉर्ट पहनने के लिए क्योंकि ये ठंडा बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई अभी थोड़ा ठीक लग रहा है अच्छा किया कि शर्ट ले लिया था मैंने नहीं तो बहुत बुरा फंस जाता मैं यहाँ पे यार बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी भी मैं देखो यहीं पे हूँ सब लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने फ्लाइट्स का और मैं भी वेट कर रहा हूँ मेरा ना गेट नंबर 5 है और मुझे यहाँ से जाने में और आधा घंटा बचा हुआ है मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो यहाँ पर मैं देखने के लिए आ गया नहीं तो पूरे रास्ते कन्फ्यूज़ रहता कि आखिर कैसा लग रहा हूँ फाइनली अभी जा रहे हैं हम लोग फ्लाइट में भाई हद से ज़्यादा थक गए कितने देर के इंतज़ार के बाद हम लोग मैं प्लेन के पास पहुंचा अभी हद से ज़्यादा सिर दुख रहा है तो पूरी तरीके से ना हालत ख़राब हो चुका है अब बस चाह रहे ना कि जल्दी से मुंबई पहुंच जाए बहुत सिर दुख रहा है बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है फाइनली मुंबई आ चुके हैं
मैं लास्ट यहाँ पे 2019 में था, उसके बाद सीधा 4 साल बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। सितंबर में ही मैंने मुंबई छोड़ा था और सितंबर में ही आ रहा हूँ। अच्छी फीलिंग है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, जैसा मैं गया था तो वैसा ही था, अभी आया तो वैसा ही है। 4 साल बाद कैब में तो मैं बैठ के जा रहा हूँ, पता नहीं है कितना पैसा लेंगे। किधर 5 किलोमीटर जाने का 500 रुपया बोल रहा है, मैं तो शॉक हो गया सुन के यार। नए नए लोगों के लिए यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ भी पैसा मांगते हैं टैक्सी वाले। भाई यहाँ पे तो ऑटो लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ पे आते आते ना सबसे पहले मैं मॉल में आ गया, मलाड का जो इन्फिनिटी मॉल है यहाँ पे, कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी रात का 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है और बाहर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे शायद फूड कोर्ट खुला हो। चलो चल के देखते हैं। यहाँ का फूड कोर्ट तो खुला है, अब देखना ये है कि खाएंगे क्या। कुछ भी खाने को मिला नहीं तो ये आटे वाला बर्गर खा रहे हैं। इन्फिनिटी मॉल से बाहर निकलते ही देखो यहाँ पे मेट्रो आ गया, और ये पहले नहीं था। तो अभी सुबह का वक्त है और मैं हूँ मुंबई में, मुंबई में मलाड में हूँ मैं, इन्फिनिटी मॉल के सामने। और ये जब पर्दा हटाओगे तो देखो ये लोकेशन है, ये नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। और मुझे अभी अभी पता चला कि ये है मेट्रो लाइन, और 4 साल में इतना डेवलप हो गया कि इन एरियाज में भी मेट्रो आ चुका है। पहले यहाँ पे मेट्रो नहीं था, हम लोग लोकल ट्रेन से आते जाते थे, तो लोकल ट्रेन तो आज भी है और साथ ही साथ मेट्रो भी है। तो कल मैं ना इसी मॉल में गया था इन्फिनिटी में। तो ये है हमारा आज के सुबह का खाना, तो ये है मुंबई का स्पेशल लुवाड़ा, ये है ना अनियन उत्तपम है, ये ना स्कूल में खाया करता था जब मैं हॉस्टल में था ना तब, उसके बाद ये अब भी नसीब हो रहा है। अब चेक मत लगाना, मैं जाने के बाद भी बोलूँगा तो ये है मेरा चाय जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। तो अभी मैं खा पी के निकल चुका हूँ मुंबई घूमने के लिए, अभी सबसे पहला काम है पुरानी यादों को ताज़ा करना। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बहुत ही पुरानी आंटी से मिलने के लिए, अब देखना ये है कि वो आज तक मुझे पहचानती हैं या नहीं, क्योंकि 4 साल पहले उनसे लास्ट मिला था, अभी जाएंगे उनसे मिलने। ये पार्क है, यहीं पे हम लोग पहले रहा करते थे, एकता नगर है ये। किधर देखा ऐसे लगा पास पास बोल ना मांगते क्या रे गॉड ब्लेस अंदर अंदर। 4 साल बाद आंटी पहचान गई। आज मैं कभी भी फोन करने ये बोला हम था ना मैं अपडेट होता था ना अकेले चिरका पे। पहले ना हम लोग इसी बिल्डिंग में रहते थे और आंटी बहुत हमसे क्लोज हो गई थी, हमारी पड़ोसी थी। आप वो उधर बैंगलोर में तो कितना सस्ता मिलता है ये नारियल पानी, तो 35-40। हाँ अरे 20, मैं भी गया था 20 मिल रहा था छोटा, तो इधर 70-60 में है। आंटी ने मुझे ये नारियल पानी दिया, पहले हम लोग इस वाले में रहते थे ना। वो तो चले गए ना वो लोग।